जैन धर्म का मूल मंत्र क्या है और इन मूल मंत्रों का हमारे शास्त्रों में कहां प्रमाण है? जैन धर्म कौन से सिद्धांतों पर आधारित है? दर्शकों, नौकार मंत्र जैन धर्म का महत्वपूर्ण मंत्र है, जो कि पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 13 और यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 17 में उल्लिखित ओम मंत्र का स्वरूप तथा उच्चारण बिगाड़कर ओंकार को नौकार बनाकर जाप करते हैं। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोयंदका इसके अनुवादक हैं। 8वें अध्याय का 16वां श्लोक आपको दिखाते हैं और ये 8वें अध्याय का 13वां दिखाते हैं। पहले ये गीता जी का ज्ञान ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके दिया और वो कहता 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। ये कहता है गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण में प्रवेश करके प्रेतवत बोल रहा है, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का, ओम इति माने यह है एक अक्षर, केवल ओम यह एक अक्षर है, व्यवहारण अनुसमरण उच्चारण करता हुआ स्मरण करने का, और यह प्रयाति तजंदेहम जो शरीर त्यागते समय तक इसका स्मरण करता हुआ जाता है, सयाति परमाम गतिम वह परम गति को प्राप्त होता, जो ओम नाम के जाप से जो गति प्राप्त होती है वो क्या है, वो ब्रह्म लोक है। वहीं गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म अपनी साधना को अनुत्तम अर्थात घटिया बताता है, जिससे स्पष्ट होता है कि नौकार मंत्र का जाप जीव को मुक्त नहीं करेगा और यह निर्वाण प्राप्त करने के लिए अनुचित मंत्र है। जबकि मोक्ष प्राप्ति के 3 मंत्रों का संकेत गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में बताया है। देखिए, अब 17वें अध्याय के गीता जी के 23वें श्लोक में कहा है कि उस सचिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स, निर्देश माने नथिंग और कुछ नहीं, सिंपल ओनली डायरेक्शन ये है। देखिएगा 17वें अध्याय का और 23वां श्लोक श्रीमद् भगवत गीता और ये 17वां अध्याय 17वें का 23वां श्लोक है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविध है समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत ऐसे यह 3 प्रकार का सचिदानंद घन ब्रह्म उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र कहा है। अब सचिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र ओम तत् सत उसको पाने का, ओम तो पुण्यात्मा सीधा है ब्रह्म सर पुरुष का और जो तत् है वो अक्षर पुरुष का और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का, ये भी कोड वर्ड है सांकेतिक शब्द है। ओम और तत् जो सांकेतिक शब्द है वो दोनों मिलकर ये सतनाम बनता है 2 अक्षर का और जिसका भी आज तक मोक्ष हुआ उन महापुरुषों ने इस सतनाम का जाप किया है। और जो सत है वो सारनाम की तरफ संकेत है, वो भी कोई अन्य मंत्र है, वो सांकेतिक कोड वर्ण दास के पास है, इस पृथ्वी विश्व में किसी के पास नहीं।